नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चमत्कारी पुतले। चमत्कारी पुतले, संपादन परमिला जैन, चित्रांकन विनोद भाटिया, राजेश भाटिया, इंदु फीचर्स, कथानक मिसेस इंदु। मोहित और उसकी गरीब माँ घने जंगल के निकट बसे एक गाँव में रहते थे। मोहित बड़ा शरारती था। हाय मेरी टोपी! स्कूल में भी प्राय अध्यापक उसकी शरारतों से परेशान रहते थे। एक दिन, तुम्हारी हरकतों से हम परेशान हो चुके हैं, कल से स्कूल मत आना। माँ को मोहित के स्कूल से निकाले जाने का पता चला। निकम्मे, कब सुधरेगा तू? अच्छा होता पैदा होते ही मर जाता, कम से कम मुझे यह दुख तो न सहना पड़ता। अब यही बंद रहे, दो दिन तक तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। फिर वह रोती हुई दूसरों के घर बर्तन मांगने चली गई। इसी काम में वह अपना और मोहित का पेट पालती थी। कितना दुख दिया है मैंने अपनी माँ को, कितनी मेहनत मजदूरी करके माँ मुझे खिलाती पिलाती और पढ़ाती है, और एक मैं हूँ जो उसे हमेशा परेशान करता रहता हूँ। ओह, मुझ जैसे बेटे को तो मर जाना चाहिए। और रात को जब उसकी माँ कामकाज से लौटकर बिना कुछ खाए पिए सो गई, तो मोहित चुपचाप कोठरी से बाहर निकला। तो ठीक कहती है माँ, मुझ जैसे बेटे को मर ही जाना चाहिए, मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना माँ। एक बार माँ ने कहा था कि जंगल में भूत रहते हैं जो मनुष्यों को खा जाते हैं, अच्छा होगा कि वे मुझ निकम्मे को खा जाएं। वह बहुत देर तक जंगल में भटकता रहा। भूत तो अभी तक नहीं मिले, चलो कोई जानवर ही मुझे खा लेगा, जंगल के और अंदर चलूं। अचानक, ओह शेर शेरनी, चलो अच्छा है, अब मुझे और ज़्यादा नहीं भटकना पड़ेगा, जल्दी से उनके सामने पहुँचूँ। ए बालक, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? इतनी रात को जंगल में क्यों आए हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि यह जंगल बहुत भयानक है? जल्दी मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जवाब नहीं देते तो मरो, मैं तो चाहता ही ये हूँ। ठहरिए महाराज, तुमने मुझे क्यों रोका? जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं, ना जाने क्यों मुझे यह बालक बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर यह मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देता? ज़रूर कोई बात है स्वामी, जिसे यह बताना नहीं चाहता और जानबूझकर मरना चाहता है। आप ठहरिए, मैं पूछती हूँ। ए प्यारे बालक, तुम कौन हो और क्यों इस भयानक जंगल में मौत को हथेली में लिए फिर रहे हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? शेरनी रानी, मेरा नाम मोहित है, मैं इस भयानक जंगल में मरने के लिए आया हूँ, अच्छा होगा कि आप ही मुझे खा ले। लेकिन तुम मरना क्यों चाहते हो? मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिए हैं। तो यह बात है, आज मेरी माँ ने मुझसे प्यार तक नहीं किया, अब तुम ही बताओ, मुझ जैसे नालायक लड़के को मर जाना चाहिए कि नहीं? ओह, माँ के गुस्से का बुरा नहीं मानते। जाओ मोहित, घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें घर पर ना पाकर बहुत दुखी हो रही होगी। नहीं शेरनी रानी, मैं अब अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। क्यों? मेरी माँ बहुत गरीब है, अब या तो मैं मर जाऊँगा या फिर तभी घर वापस जाऊँगा जब मेरे पास ढेर सारा धन होगा, ताकि माँ को कोई काम ना करना पड़े। मगर इस जंगल में तुम्हें धन कहाँ से मिलेगा? यह मैं नहीं जानता, पर यह मेरा अटल फैसला है। अब क्या करें प्रिये, यह छोकरा तो बहुत जिद्दी है, क्यों ना हम इसे भोला बाबा के पास ले चलें, शायद वे इसे कुछ समझा सकें। और फिर सुनो छोकरे, अब तुम नहीं मानते तो हमारे साथ भोला बाबा के पास चलो, वे ही तुम्हें ढेर सारा धन प्राप्त करने का उपाय बताएंगे। मुझे स्वीकार है, लेकिन ध्यान रहे, यदि मुझे धन प्राप्त नहीं हुआ तो मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। रास्ते में उन्हें कोई भयानक जंगली जानवर दिखाई दिए। उन्होंने ललचाई दृष्टि से मोहित की ओर देखा भी, किंतु शेर शेरनी को देखकर खामोशी रहे। वाह कितना अच्छा शिकार है, जंगल का राजा उसके साथ है, अतः चुप रहने में ही भलाई है। चलते चलते उन्हें काफी समय हो गया, पता नहीं कहाँ लिए जा रहे हैं, कब होगा इनका सफर खत्म और कब आएगी भोले बाबा की कुटिया। अरे यहाँ जंगल्स में यह पर्वत कहाँ से आ गया? आश्चर्य है, पर्वत दूध जैसा सफेद है। ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगे तो मोहित थकावट से वहीं पसर गया। बस मैं और नहीं चल सकता, बहुत थक गया हूँ और अब कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ओह तुमने तो मुसीबत ही खड़ी कर दी, हमें सुबह से पहले भोला बाबा के पास पहुँचना होगा, वरना वे समाधि में चले जाएंगे। चलो थोड़ी हिम्मत और करो। नहीं मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, इस जंगल में तुम्हारे लिए सवारी कहाँ से लाऊं? चलो
उठो वरना हम तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे। चाहे जो हो मैं यहाँ से बिना आराम किए नहीं हिलूँगा। तुम मरो यहीं, हम चलते हैं। चलो रानी। क्रोधित न हो वनराज, यह भोला बालक वास्तव में थक गया है। तो तुम ही बताओ रानी, आखिर मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ इसके लिए सवारी? क्यों ना आप इसे अपनी पीठ पर बिठा ले वनराज। क्या यह तुम क्या कह रही हो रानी, जंगल के दूसरे जानवर देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई नहीं देखेगा, फिर अब तो पहाड़ आरंभ हो चुके हैं और इस तरफ कोई जानवर आता भी नहीं है। नहीं नहीं, यह मुझसे ना होगा, इस झंझट में मुझे न फंसाओ। लेकिन शेर आखिर मजबूर हो गया। चलो मेरे बाप, बैठो मेरी पीठ पर, तुम्हारे लिए अब मुझे गधा बनना ही पड़ेगा। वाह वनराज, आप कितने अच्छे हैं। संभल कर बैठना छोकरे, यदि गिर गए तो हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। चिंता न करे वनराज, मैं कस कर आपके बाल पकड़े हुए हूँ। शीघ्र ही शेर शेरनी उस पर्वत को पार करके एक हरे भरे सुंदर से मैदान में पहुँच गए। वाह कितनी मनोरम जगह है। अरे यह कुटिया कैसी, कहीं इनके भोले बाबा इसी कुटिया में तो नहीं रहते? क्या यही तुम्हारे भोले बाबा की कुटिया है? हाँ, अब उतरो और भीतर चलो और देखो बाबा को प्रणाम करना मत भूलना। कुटिया के अंदर, ओह बाबा का स्वरूप कितना भयानक है, शायद भगवान का नाम ले रहे हैं। प्रणाम भोले बाबा। भोले बाबा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक बालक को खड़े देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। तुम कौन हो बालक और यहाँ तक कैसे आए? इसे यहाँ तक हम लेकर आए हैं बाबा। फिर सिंहराज ने आगे बढ़कर भोले बाबा को मोहित की सारी कहानी सुना डाली और अंत में बोले, बाबा अब आप ही इसे समझाइए वरना यह अपने प्राण त्याग देगा। भोले बाबा ने मोहित से पूछा, यदि ढेर सारा धन पाकर भी तुम अपनी माँ को खुश न रख पाए तब? माँ को प्रसन्न करने के लिए यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी मातृभक्ति से बहुत खुशी हुई मुझे। मैं तुम्हें धन प्राप्ति का मार्ग अवश्य बताऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, धन प्राप्त करना आसान है लेकिन उसे सही मार्ग पर खर्च करना अत्यंत कठिन है। अब तुम सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं उसे ध्यान लगाकर सुनना। मोहित को भोले बाबा के पास छोड़कर शेर शेरनी वापस जंगल में लौट गए। मोहित कुटिया में एक स्थान पर सो गया और भोले बाबा फिर से ध्यानमग्न हो गए। अगले दिन सुबह भोले बाबा ने मोहित को फल फूल का नाश्ता करवाया, फिर उसे तीन पुतले देते हुए कहा, मोहित बेटे ये तीन पुतले अपने पास रखो, ये तुम्हारा एक एक काम करेंगे। ये पुतले तुम्हारा सिर्फ एक ही काम करने योग्य हैं, अतः सोच समझकर आदेश देना। परंतु इन पुतलों को आदेश देने से पहले दो बातें हमेशा याद रखना। पहली यह है कि इन्हें कभी भी धन के लिए मत कहना। दूसरे, इन्हें विशेष मुसीबत के समय ही आदेश देना। मैं सदैव इन दो बातों का ध्यान रखूंगा बाबा। फिर बाबा एक थैली मोहित की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह साधारण थैली नहीं है, इस थैली में चाहे तुम कितनी ही चीजें डाल दो तब भी यह नहीं भरेगी, अतः धन रखने के लिए यह तुम्हारे बहुत काम आएगी। वाह बाबा, अब तुम एक काम करो, सामने जो दूध की नदी बहती दिखाई दे रही है उसके किनारे किनारे आगे बढ़ते चले जाओ, चलते चलते तुम एक ऐसे देश में पहुँच जाओगे जहाँ धन ही धन होगा और न जाने क्या क्या होगा। लेकिन फिर कुछ रुक कर बाबा बोले, परंतु यह ध्यान रखना कि वहाँ पर एक जालिम राजा राज करता है, वहाँ तुम इन पुतलों की मदद से जितना धन चाहो इस जादू की थैली में भरवा लेना। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए बाबा, ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे। फिर वह भोले बाबा से विदा लेकर दूध की नदी के किनारे किनारे चल पड़ा। वह चलता चला गया, चलते चलते उसे भूख अथवा प्यास लगती तो वह दूध वाली नदी से दूध जैसा पानी पी लेता। न जाने उस जैसे पानी में क्या विशेष बात थी कि मोहित को उसके पीने के बाद देर तक भूख प्यास अथवा थकावट महसूस नहीं होती थी। वाह कितना अद्भुत नगर है। लेकिन जैसे ही वह देश के भीतर प्रविष्ट हुआ बहुत सारे सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ए छोकरे ठहरो, अरे बापरे, सिर मुंडाते ही ओले पड़े, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? सैनिकों ने उसके पास जो कुछ भी था सब छीन लिया और उसे पकड़कर एक तरफ ले जाने लगे। अरे रे छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, आखिर मेरा कसूर क्या है? हम तुम्हें राजा के पास ले जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते इस राज्य में बिना आज्ञा प्रवेश करना अपराध है। मोहित को मजबूर होकर उनके साथ चलना पड़ा।
वहां के लोगों के चेहरों पर एक विचित्र सी उदासी छाई हुई थी। सब लोग मशीनी अंदाज में काम कर रहे थे, कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे थे जो उन लोगों से जबरदस्ती कार्य करवा रहे थे। जो कोई भी उनका आदेश मानने में जरा भी आनाकानी करता, वे उसके सीने में भाला घुसेर देते। नमक हराम, काम से जी चुराता है, ये ले। ओह इतना जुल्म, ओह कितना सुंदर देश है और इतना ज्यादा अत्याचार। भोले बाबा ने ठीक ही कहा था कि यहाँ का राजा बहुत ही जालिम और क्रूर है। कुछ देर तक चलते रहने के बाद मोहित को एक बहुत ही विशाल, ऊंचा और शानदार महल दिखाई दिया जो सोने की ईंटों से बना हुआ था और जिन पर हीरे जवाहरातों की नक्काशी की गई थी। उस महल के चारों तरफ अमूल्य चीजें बिखरी पड़ी थी। वाह कितना अनमोल खजाना बिखरा पड़ा है यहाँ, बिल्कुल ईंट पत्थरों की तरह। उस देश का नाम दाना देश था और अपने देश के अनुरूप ही उस देश के राजा का नाम भी भयानक था, दानवासुर। महाराज एक अजनबी लड़के को पकड़ा गया है, हा हा हा, उसे हमारे सामने पेश करो। सिपाहियों ने मोहित को दानवासुर के सामने पेश किया। ए लड़के, कौन है तू और हमारे देश में पांव रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? महाराज मैं यहाँ धन की प्राप्ति के लिए आया हूँ। फिर मोहित ने सारा किस्सा सुनाया। सब कुछ सुनकर वह क्रोधित हो उठा। क्या कहा भोला बाबा, उस बेवकूफ बूढ़े ने भेजा है तुम्हें? उफ एक दिन उस मूर्ख को मैं कच्चा खा जाऊंगा, गंबक ने बड़ा परेशान कर रखा है मुझे। दानवराज की भयानक गर्जना से महल की ईंट ईंट कांप उठी। महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं फिर कभी आपके देश में नहीं आऊंगा और मुझे अब धन की भी जरूरत नहीं है। हा हा हा, अब नहीं आऊंगा, हा हा हा। मूर्ख बालक, घर से तू मरने के लिए ही तो निकला था, मैं तुझे मारकर सारे दुखों से छुटकारा दिलवा देता हूँ। लगता है यह राक्षस मुझे खाकर ही दम लेगा, कैसे छुटकारा पाऊँ इस मुसीबत से? मेरे वो तीनों पुतले भी तो उन सिपाहियों ने छीन लिए हैं। महाराज आप चाहें तो मेरी वस्तुएं अपने पास रख लें, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर पर ना पाकर मेरी माँ बहुत दुखी हो रही होगी। हा हा हा, मौत का नाम सुनकर अब माँ की याद आ रही है, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। फिर दानवराज सैनिकों की ओर मुड़कर गरजा, सैनिकों इसकी गर्दन उड़ा दो और इसका ताजा खून एक कटोरे में भरकर मुझे पीने को दो। नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। हा हा हा, मूर्ख तुम्हारी यही सजा है। अचानक बाहर से भयानक शोर उभरा और दरबार में मौजूद दानवराज सहित सभी व्यक्ति पूरी तरह चौंक उठे। भागो भागो, जल्दी से महाराज को सूचित करो, यह शोर कैसा है? सैनिकों जाओ, जाकर खबर लो। तभी एक सिपाही दौड़ा दौड़ा वहां आया जो पूरी तरह घायल था और खून से लथपथ था। अरे इसे क्या हुआ, यह तो जख्मी है, इसकी ये हालत किसने की? ओह उमेश सिंह क्या हुआ तुम्हें, किसने की तुम्हारी यह दशा, किसकी मौत ने उसे ललकारा है? महाराज महाराज सिंह देश के राजा सिंहराज ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है। सुनकर सभी बुरी तरह से घबरा उठे। क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ओह अब क्या होगा, उफ। तभी वह घायल बोला, जल्दी कुछ कीजिए महाराज, ओह अब क्या होगा, दुश्मन देश के सैनिक आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। सारी बात सुनकर दानवराज भी पूरी तरह घबरा गया। महाराज कुछ कीजिए, हाँ हाँ महाराज कुछ कीजिए, यदि जल्दी ही कुछ न किया गया तो हमारे देश पर उनका कब्जा हो जाएगा। खामोश, यह सब तुम लोग भी अच्छी तरह से जानते हो, वे लोग खतरनाक हैं, हम मुट्ठी भर लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या हम हथियार डाल दें और अपने आप को उनके हवाले कर दें, क्या उनकी गुलामी स्वीकार कर लें? ऐसा करने पर भी तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वे हमें सिंहों का आहार बना देंगे। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, ठहरो कुछ सोचने दो। मोहित सब कुछ सुन और देख रहा था, इस हालात में सभी पूरी तरह घबराए हुए थे। वह तुरंत बोल उठा, महाराज मैं आपके दुश्मनों का अकेले ही सफाया कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो तुम मूर्ख, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो, जब हमारे हजारों सैनिक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो भला तुम अकेले? जानता हूँ महाराज और अच्छी तरह सोच समझ कर ही कह रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर ही मैं आपकी मदद करूँगा। शर्त, कैसी शर्त, जल्दी कहो, यदि तुम उन्हें समाप्त कर सकते हो तो हम तुम्हारी प्रत्येक शर्त मानने के लिए तैयार हैं।
आपको मेरी सारी वस्तुएं वापस करनी होंगी। यही नहीं बल्कि इस थैली में जितना हो सके सोना हीरे जवाहरात आदि भरकर देने होंगे। मोहित की बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। यदि मैं तुम्हारी शर्तें मान लूं, तो क्या तुम अकेले ही मेरे दुश्मनों को समाप्त कर दोगे? हाँ महाराज, यदि आप मुझे मेरे 3 पुतले और यह थैली देने का वचन दें तब। मोहित की दृढ़तापूर्ण बातें सुनकर दानवराज प्रसन्न हो उठे और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, वाह बहादुर बालक, हम तुमसे अति प्रसन्न हुए। हम तुम्हें वचन देते हैं कि जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। सैनिकों, इसका सारा सामान इसे लौटा दो। जो आज्ञा महाराज। धन्यवाद महाराज, अब आप मेरे साथ आइए और देखिए मेरा कमाल। चलो, हम स्वयं भी तुम्हारा कमाल अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। चलिए। मोहित के साथ दानवराज अपने महल की छत पर पहुंचे। हे प्रभु, दुश्मन की सेना तो दानवराज के सैनिकों पर कहर ढा रही है। दानवराज के सैनिक तो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। मोहित, जल्दी से दुश्मनों को खत्म करो, वरना हमारा एक भी सैनिक इस युद्ध में जिंदा नहीं बचेगा। अभी लीजिए महाराज। मोहित ने तुरंत एक पुतले को आदेश दिया, चले पुतले, दिखा अपना कमाल और लगा दुश्मनों को ठिकाने। जो आज्ञा स्वामी। दूसरे ही क्षण वह पुतला एक विराट राक्षस में परिवर्तित हो गया। हा 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 हा। राक्षस ने एक जोरदार सांस खींची। हा 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 हा। दुश्मनों में तुरंत खलबली मच गई। वे जान बचाकर भागे, लेकिन राक्षस ने उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में राक्षस ने दुश्मनों से मैदान को साफ कर दिया। दुश्मनों के समाप्त होते ही वह राक्षस भी गायब हो गया। दुश्मनों से मैदान साफ होते ही दानवराज सहित सभी प्रसन्नता से नाच उठे। शाबाश मोहित, तुमने तो वास्तव में कमाल कर दिया। तो फिर भरिए मेरी थैली और निभाइए अपना वचन। हाँ हाँ, जरूर, चलो। दानवराज मोहित को लेकर निकट ही एक घाटी में पहुंचा। देखो कितना खजाना है यहाँ, जितना चाहो भर लो अपनी थैली में। ओह, इतनी सारी दौलत तो मैं 7 जन्मों तक भी इस थैली में नहीं भर पाऊंगा। पुतले की मदद लेता हूँ। मोहित ने दूसरे पुतले को निकालकर आदेश दिया, ए मेरे पुतले, इस थैली में यह सारा खजाना भर दे। पुतला मोहित के हाथ में से छूटकर हवा में उड़ा और देखते देखते पुतला विशालकाय राक्षस में बदल गया और उसने तुरंत थैली को भरना शुरू किया। मालिक, मैंने इस पहाड़ी की सारी दौलत इस छोटी सी थैली में भर दी, लेकिन यह फिर भी नहीं भरी। वाह, कमाल हो गया। दानवराज उसे एक खजाने से दूसरे खजाने में और फिर दूसरे से तीसरे खजाने में ले गया, परंतु थैली फिर भी नहीं भरी। मालिक, इस पहाड़ी का भी सारा खजाना डाल दिया, अभी नहीं भरी, थोड़ी कसर और बाकी है। इस तरह से तो मेरा सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। अवश्य इस थैली में कोई रहस्य है, यदि यह थैली मुझे मिल जाए तो। अपनी सारी दौलत लुटती देखकर दानवराज गुस्से के मारे भभक उठा। ये 2 टके का छोकरा मेरा बेवकूफ बना रहा है। दानवराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट छोकरे को और थैली छीनकर मौत के घाट उतार दो। सैनिक तुरंत मोहित को पकड़ने के लिए दौड़े। यह देख मोहित क्रोधित होकर बोला, ओह। मोहित गुस्से से दहाड़ उठा, दानवराज, तुम्हारे दिल में बेईमानी आ गई है, अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। और फिर इससे पहले कि सैनिक उसे पकड़ पाते, मोहित ने तीसरे पुतले को लड़ने का आदेश दे दिया। तीसरा पुतला भी विकराल रूप धारण कर उन पर टूट पड़ा। सारे सैनिकों को समाप्त करने के पश्चात राक्षस ने दानवराज को भी मार डाला। फिर तीसरा पुतला भी अदृश्य हो गया। दानवराज के मरते ही सारे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सारे देशवासी खुशी से नाचने लगे और मोहित की जय जयकार करने लगे। मोहित जिंदाबाद, मोहित अमर रहे। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात मोहित ने उस देश के लोगों से विदा ली। मोहित दूध वाली नदी के किनारे चलता चलता फिर एक दिन भोला बाबा की कुटिया पर जा पहुंचा और उन्हें दानव देश को समाप्त करके ढेर सारा धन प्राप्त करने की सारी कहानी सुनाई। भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक आसन दिया और बोले, अब देर मत कर बेटा, इस आसन पर बैठ जा, यह अपने आप तुझे तेरे घर पहुंचा देगा। तुझे ना पाकर तेरी माँ बहुत दुखी हो रही होगी। जो आज्ञा बाबा, मैं भी माँ से मिलने के लिए तरस रहा हूँ। मोहित झट उस आसन पर बैठ गया। आसन उसे लेकर हवा में उड़ता हुआ उसके घर की ओर चल पड़ा। फिर जंगल पार करके वह उसके गांव में पहुंच गया। अरे देखो तो, अद्भुत, कौन हो सकता है? अरे
वह तो अपने गांव का मोहित है। फिर शीघ्र ही वह आसन उसे लेकर उसके घर के सामने उतर गया। माँ माँ, मोहित की आवाज सुनकर उसकी माँ जल्दी से घर से बाहर आई। मोहित की याद में रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। मोहित को देखते ही उससे लिपट गई। मेरे बेटे, मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था? अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी। तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना मेरे बेटे। नहीं जाऊंगा माँ, लेकिन देखो तो माँ, मैं कितना सारा धन लाया हूँ। मोहित ने थैली के पैसों से एक विशाल भवन बनवाया। मोहित इतना दयालु था कि थैली में से हमेशा गरीब तीन दुखियों की मदद करता रहा। उसकी थैली कभी खाली नहीं होती थी। माँ, भगवान ने हमें इतना दिया है, कुछ हक इन गरीबों का भी है। जीता रहे मेरे लाल। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।